coming. निकलो बेटा हम अमर सिंह कॉलेज से आए हैं। हमने भी इस आठवास प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है और हमें यहाँ पे बहुत देखा कि डल बहुत साफ हो गया है और अब हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो भी आ जाए, वो भी डल साफ करें, बिकॉज ये उनके लिए भी है, वो भी आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए और इससे अगर वो साफ करेंगे तो एनवायरमेंट भी अच्छा रहेगा। ये जो अथवास का प्रोग्राम LCMA ने शुरू किया है ये इसलिए है कि डल साफ डल साफ हो जाए, जिस तरह हम अपना घर साफ करते हैं। इसलिए हम अमर सिंह कॉलेज के स्टूडेंट्स है, हमने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, हमने भी इसमें शिरकत की डल साफ करने में। मैं लोगों से भी विनती करता हूँ, लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह हम अपना घर साफ रखते हैं इसी तरह हम डल भी साफ रखें या बाकी सारे और लेक्स है उनको भी साफ रखेंगे। जी पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी को जिन्होंने अथवास का प्रोग्राम शुरू किया है। डल लेक जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी शेयर्ड वेल्थ हेरिटेज है, कश्मीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल है टू श्रीनगर एंड इवन टू द होल वैली ऑफ कश्मीर। तो ये अथवास का जो प्रोग्राम है दिस इज़ बेसिकली अ प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इट मोबिलाइजेज यूथ एंड आर कम्युनिटी टू कीप दिस लेक क्लीन एंड हेल्थी और किसी भी हमारी नेचुरल रिसोर्स को सेहतमंद और क्लीन रखने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ सरकार या कोई अथॉरिटी ये नहीं कर सकती, हम सबको मिलकर करना है। आज मैं काफ़ी खुश हूँ कि हमारे बहुत सारे यंग एनर्जेटिक स्टूडेंट्स इसमें शामिल हुए हैं और होते आ रहे हैं 9th April से ही, एंड आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट सक्सेस। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि ये सिर्फ एक छोटा सा फ्लैगशिप प्रोग्राम बन के ना रह जाए, दिस शुड बी अ वे ऑफ लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस। सब्सक्राइब एशियन मेल, प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।